सेक्टर 17 लोकल बस स्टैंड के पास चंडीगढ़ इंटक के आह्वान पर चंडीगढ़ सबॉर्डिनेट सेवाएं फेडरेशन की सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के हजारों कर्मचारियों और मजदूरों ने सांसद किरण खैर के निवास का घेराव हुंकार भरी और साथ ही सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी। अगर जल्द ही कर्मचारियों और मजदूरों की मांगों को नहीं माना गया तो 23 अक्टूबर को सभी कर्मचारी और मजदूरों द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन का पुतला फूंका जाएगा। आपको बता दें कि सभी विभागों में लंबे समय से काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पक्का न करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया है। नसीब जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ इंटक। देखिए, हमने कर्मचारी और मजदूरों की समस्याओं के लिए हमने मैडम किरण खेर को चिट्ठी लिखा, हम माननीय गवर्नर साहब समेत सभी विभागों के एचओडियों को हमने चिट्ठी लिखा, लेकिन प्रशासन और सरकार इतनी तानाशाही और इतनी इटलरशाही दिखा रही है कि हमारे को एक बार वार्ता के लिए न्योता नहीं दिया गया। हमने पिछली 25 तारीख को भूख हड़ताल करी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन और सरकार बैकफुट पे नहीं आई। हमने मजबूरी बस ये ऐसा फैसला लेना पड़ा कि माननीय किरण खेर का घेराव करना हमारे को उचित समझा, क्योंकि हमारी काफ़ी समय से मजदूर और कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगे प्रशासन इस पर गौर नहीं कर रहा है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है। जो आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा के कर्मचारी हैं उनको बिना नोटिस के निकाल दिया जाता है। जिसकी नौकरी 10 से 15 साल होगी उनको भी निकाल दिया जाता है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता है, भर्तियाँ नहीं कर रही है सरकार, सभी विभागों का निजीकरण पे तुली खड़ी है। और जो हमारे जो रेडी फड़ी वाले हैं और जो बूथों वाले हैं, हमारे जो साइकिल स्टैंड वाले हैं, मोची हैं हमारे साथी, उनका लाइसेंस सरकार ने रद्द कर दिया है। नौकरी तो देना अब दूर की बात, लेकिन जो अपना छोटा छोटा रोजगार कर रहे हैं वो भी गरीब के मुँह से निवाला छीनने का सरकार काम कर रही है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अब हम सारे साथी इकट्ठे होकर के माननीय किरण खेर का कूच करेंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो जल्दी बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी और अगली 23 तारीख को हम भूख हड़ताल भी करेंगे और काली दिवाली भी मनाएंगे। हर तरह के हम मजबूरी में हमारे को आंदोलन करने पड़ेंगे। इसमें हम 90 संगठनों का नेतृत्व करते हैं। इसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, सभी विभाग, मजदूर, सरकारी और गैर सरकारी, ऑटो यूनियन वाले, फुटपाथ वाले, हॉस्पिटल वाले, PGI वाले, सभी साथी हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं, क्योंकि मांगे सबकी समान है। 5% जो सीलिंग कोटा किया हुआ सरकार ने, कोई भी कर्मचारी अगर मृत हो जाता है अपने सेवा के दौरान तो उसके बच्चे और उसकी घरवाली को नौकरी नहीं मिलती है, जबकि दूसरे स्टेटों में दी जाती है। और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो दूसरे स्टेटों में और चंडीगढ़ में लागू नहीं करते। हमारे NHM वाले कर्मचारी है, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर है जिसकी तनख्वाह 5,000 है और हरियाणा के अंदर तनख्वाह 13,500-14,000 ले रही है। इन तमाम मुद्दों के लिए हमारे को मजबूरी बस रोड पर उतरना पड़ा। सरकार, हम आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो सरकार समय रहते आ जाए, इटलर दर पे ना बरते, नहीं तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए जी, आउटसोर्सिंग का आज चंडीगढ़ के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आउटसोर्सिंग का है। चाहे वो जैम पोर्टल, एक प्रणाली ऐसी आई हुई है चंडीगढ़ के अंदर जो जैम प्रणाली ही जो करेगी, जो ठेकेदार जिसने भर्ती करने हैं, किसी को 10 से 15 साल नौकरी करते होंगे कच्चे कर्मचारी को, उनको बिना नोटिस के बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे एजुकेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा, आज के इस आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बौखलाते हुए हमारे रंजीत मिश्रा को सस्पेंड करने का काम किया और हमारा शीर्ष नेतृत्व उसको भी परेशान करने का काम कर रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। सिक्योर पॉलिसी चंडीगढ़ के अंदर नहीं है। हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर सिक्योर पॉलिसी की जाए, क्योंकि हमारी माननीय किरण खेर ने हमारे को वोटों के समय मांग रखी थी इलेक्शन में। हमने तो किरण खेर ने कहा था कि हम सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और आउटसोर्सिंग ठेका पत्ता बंद करके सिक्योर पॉलिसी लागू करेंगे, किसी की नौकरी हम जाने नहीं देंगे। लेकिन अब बिल्कुल उल्ट है। जब हमारे कर्मचारी अपनी मांगों के लिए माननीय किरण खेर के पास जाते हैं तो पुलिस से उठवा दिया जाता है या उनको गाड़ियां देकर के भगा दिया जाता है और कहते हैं कि आगे से हमारे को वोट नहीं देना। तू ऐसी सरकार पे जो गरीबों का मुंह का निवाला छीनने जा रही है, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। अब कूच करेंगे, चाहे हमारे ऊपर गोलियां लगे, चाहे लाठियां चले, चाहे वाटर कैनन की बौछार हो, हम पीछे हटने के लिए हमारा कर्मचारी तैयार नहीं है, ना मजदूर तैयार है। अगर मांगे
अगला कदम हमारा ये रहेगा कि आने वाली 23 तारीख को पूरे चंडीगढ़ के जो कर्मचारी है वो एक दिन की भूख हड़ताल भी रखेंगे और पुतला भी फूकेंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो सभी विभागों में अलग अलग हर हफ्ते हर 10 दिन के अंदर अलग अलग विभागों में पुतला फूकने का काम करेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।